तो हेलो दोस्तों, फिर से दुनिया के एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको दुनिया के ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जिस गांव के बारे में शायद ही आपने इससे पहले सुने होंगे। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों क्या आपने कभी ऐसे गांव के घरों को देखे हैं जिस गांव के हर एक घरों में पेंट किए गए हों, वो भी दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट कलर का पेंट करते हो हर एक घरों में, जो आप देख सकते हो कि किस प्रकार के पेंट्स किए गए हैं इस गांव के हर एक घरों में, वो भी दोस्तों एक या दो घर नहीं बल्कि गांव के हर एक घरों में सिर्फ ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेंट्स किए जाते हैं हर एक घरों में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अनोखा गांव के बारे में। तो दोस्तों, यह अनोखा गाँव दक्षिण अफ्रीका के नेडबेले विलेज में देखने को मिलता है। जो यह गाँव ऐसे अनोखा जनजाति के गाँव है जो की हर एक घरों में या फिर कहें तो, और दोस्तों यहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान भी बहुत डिफरेंट है। जैसे कि इनका कपड़े पहनने का तरीका या फिर रहने के तौर तरीके बहुत अलग हैं, दुनिया से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर अलग ही समुदाय के जाति के लोग रहते हैं और दोस्तों इनके कपड़े का कलर भी एक जैसे ही देखने को मिलता है। तो फिर कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह आता होगा कि इस गांव के हर एक घरों के दीवारों में ऐसे पेंट्स क्यों किए जाते हैं, क्या कारण है। तो दोस्तों, इन घरों के दीवारों के पेंट्स के पीछे भी कुछ ना कुछ कहानियां छुपी हुई हैं। हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों समझते हैं इन घरों के पेंट्स के पीछे की कहानी। तो दोस्तों, ये जो लोग पेंट करते हैं इन पेंट में भी कुछ ना कुछ मीनिंग्स छुपे हुए हैं और कुछ कहानियां छुपी हुई हैं जो कि इनके पूर्वजों के निशानियां माना जाता है इन दीवारों पर पेंट किए हुए कलरों में, जो कि यहाँ के लोग कई सदियों पहले से यह प्रथा को चलाते आ रहे हैं, यह नियम यानी कि यह नियम को चलाते आ रहे हैं। इनमें ऐसे कई डिफरेंट डिफरेंट कलर को ऐड करके पेंट करते हैं यहाँ के लोग, वो भी दोस्तों औरतें मुर्गी के पंखों का उपयोग करके पेंट करते हैं हर घर के हर एक दीवारों में। और दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इस जगह के बेसिक से जितने भी चीजें उपयोग करते हैं उन सभी में ऐसे कलर देखने को मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों, यहाँ के लोग गाड़ी में तक रॉयल्स रॉय हो या फिर महंगी महंगी गाड़ी हो, उन सभी में ऐसे कलर देखने को मिलते हैं। यार, इस जगह के लोग बहुत ही डिफरेंट, शायद ही आपने ऐसे जनजाति के लोग दुनिया के किसी भी जगह पर देखे होंगे। सो दोस्तों, क्या आप भी इससे पहले ऐसे लोगों के बारे में या फिर ऐसे जनजाति के लोगों के बारे में जानते थे? कॉमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।